नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। तो आज 16 मई का करंट अफेयर आपके सामने लेके आए हैं। इस करंट अफेयर की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और देख लेना। पहला क्वेश्चन है, अभी किस विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक सी। अब वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है 1944 में, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। तो ये जो पैकेज की घोषणा की है, तो ये की है कोरोना में वायरस की वजह से जो भी देश की इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है, तो उसमें हेल्प किया ताकि सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है? तो आई फील यू एक ब्रेसलेट है जो हाथ में नॉर्मली पहन सकते हैं अपन, और उसको विकसित किया है इटली ने। तो इटली ने ये विकसित किया है, तो इसमें दो लोग मिनिमम डिस्टेंस के जैसे ही कम एरिया के अंदर आते हैं, तो ये एक इन्फॉर्म या मैसेज दे देता है, तो उससे पता चल जाता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें GPS का यूज़ नहीं होता है, तो ये एक लोकेशन ट्रेसिंग का वो भी कोई इसमें दिक्कत है नहीं। बात इटली की हो रही है, तो इटली की कैपिटल है रोम, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन से मोबाइल ऐप को रखना अनिवार्य किया है? तो अभी इंडियन रेलवे ने जो भी अभी यात्री एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे मजदूर आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, तो उनको अगर ट्रेवल करना है तो उसके लिए आरोग्य सेतु ऐप इम्पोर्टेंट कर दिया, जो इंस्टॉल होना चाहिए। और आरोग्य सेतु ऐप को COVID-19 की में जो भी मतलब कौन कहाँ संक्रमित है, इसका लोकेशन का इसमें पूरा अपडेट रहता है। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने अपने सबसे रिक्वेस्ट कर रखा है, तो सभी इसको डाउनलोड करके रखें। तो और बाकी के जो अपने ये तीन ऐप है, रेल मदद, UPS नहीं UTS है, ये बाई मिस्टेक होगा, और ये है सारथी, तो ये तीनों ऐप भी रेलवे से रिलेटेड ही है। जब रेलवे की बात करें, तो इंडियन रेलवे के करंट में जो मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल जी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने अभी जस्ट 1 साल के लिए पान मसाला को बैन कर दिया, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें लोग जो थूकते हैं तो उससे संक्रमण बढ़ने का पूरा खतरा है, इसके लिए इन्होंने बंद किया है। झारखंड की कैपिटल है रांची, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद कर लेना, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगी। झारखंड अकेला ऐसा राज्य है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कुकिंग ऑयल, यूरेनियम एंड पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने इस योजना का अभी आरंभ किया है। तो इस योजना जो मातृ स्मृति योजना है, इसका मेन मकसद यही है कि जो पश्चिम बंगाल में लगभग 50,000 एकड़ जमीन बंजर जमीन है, उसको उपयोग में लाया जाए। तो इसमें मछली पालन को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, तो जो भी इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, तो उसके लिए इसको विकसित किया गया है। वेस्ट बंगाल में जो कैपिटल कोलकाता है, और उसको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो के PDF में मिल जाएंगे आपको, जो पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस संगठन में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है यूनाइटेड नेशन ने। अब इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें है जो अपने COVID-19 से जो इफेक्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग्स होती रहती है। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी रिपोर्ट जारी की, इसमें इंडिया की 2021 में 1.2 का ऊपर अनुमान लगाया है, और वर्ल्ड की 3.2 GDP का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस VC में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा S.J. शंकर ने। तो S.J. शंकर जी, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था,
तो एससीओ की बात हो रही है, मींस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में। तो ये COVID-19 के चलते काफी ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 मई। अभी 15 मई को परिवार दिवस मनाया है, फैमिली के लोग एक साथ रहें, और इससे रिलेटेड जो भी इसमें बताया गया है। अब मई के इंपोर्टेंट डे की जो बात चल रही है, तो इसमें अपन मई में जो भी इंपोर्टेंट डे है सारे उनकी बात कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया, 4 मई को कोल माइन डे एंड 2 मई मातृ दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को विजय दिवस या विजय प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस एंड 31 मई तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। तो जो भी इस मई में कम मई महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी की लिस्ट आपको स्पीड की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? तो WTO एक संस्था है जिनके प्रमुख ने भी इस्तीफा दिया है। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और जो इस्तीफा दिया अभी ये हैं डेविड डे मलपासा, और 31 अगस्त को इस्तीफा देंगे, हटेंगे। 2013 में ये बने थे, तो इनका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा है, इस्तीफा दे रहे हैं। और WTO की जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो ये अपने हर्षवर्धन जी है, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, और राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने COVID-19 से बचाने के टॉपिक जो भी हैं उन पर चर्चा की थी, तो इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। अगर वीडियो तो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा आपको। धन्यवाद। बाय बाय।